तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D के न्यू अपडेट के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, जो इंडियन क्रॉसिंग 3D के जो डेवलपर है SB2K गेम्स, उन्होंने कुछ डेढ़ या दो महीने पहले एक फ़ोटो जारी किया था इंस्टाग्राम पे, उनके ऑफिशियल पेज पे। उसमें उन्होंने बताया था कि हम DMU जो ट्रेन है उस पर हम काम कर रहे हैं, और आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो उसका फ़ोटो। जो DMU ट्रेन थी उसके ऊपर वो काम कर रहे थे, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो आप वीडियो भी इसके बाद जाके देख सकते हो। तो उसके अलावा उन्होंने जो गेम के अंदर जो अपकमिंग अपडेट वाला जो सेक्शन है उस पर बताया था कि न्यू लोकोमोटिव, LHB कोचेस, उसके साथ साथ DMU के साथ साथ EMU ट्रेन, बिल्डिंग और ट्री न्यू अपडेट में आने वाली। बट न्यू अपडेट तो नहीं आया, क्योंकि जो लास्ट वाला जो अपडेट था वो अगस्त के महीने में आया था 2022 में। उसके बाद वो न्यू अपडेट तो इस गेम में आया ही नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ बताया था कि हम उस पर काम कर रहे हैं और न्यू अपडेट जल्दी आने वाला है। तो कुछ दिन पहले, दो या तीन दिन पहले, उन्होंने एक फ़ोटो जारी किया है, मतलब कि उसके उस अपडेट में वो जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी उस अपडेट में ऐड करने वाले हैं। उसकी आप फ़ोटो स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, जो वंदे भारत ट्रेन है जो कि इंडियन क्रॉसिंग 3D में आने वाली है। जो ये वंदे भारत ट्रेन है दो गेम में आ चुकी है पहले, तो जो हमारा इंडियन रेलवे सिमुलेटर है और इंडियन रेलवे ट्रेन सिमुलेटर, जो दो गेम है टीम फ्लाई और टीम हैकर का, उसमें वंदे भारत ट्रेन आने वाली है और एक गेम में आ चुकी है। तो उसके साथ साथ इंडियन क्रॉसिंग 3D में भी वंदे भारत जो ट्रेन है वो आने वाली है न्यू अपडेट में। और तो फ्रेंड, जो गेम का अपडेट का रिलीज डेट है उन्होंने जारी नहीं किया है कि हम इस महीने में या इस दिन गेम के अपडेट को रिलीज़ करने वाले हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अपडेट भी अगस्त के महीने में आएगा, क्योंकि पिछला वाला जो अपडेट था अगस्त के महीने में आया था, और ये अपडेट भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त के महीने में आ सकता है। तो ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।